अभी मुझे पता है कि बाबर के लिए अमजद भाई जुनेद भाई पे बात करना बहुत मुश्किल है, और वो हमेशा अवॉइड करते हैं कि किसी तरह मुझसे बात ना हो। और अभी मैंने सैफ को देखा कि जैसे ही जुनेद भाई की पिक्चर आई ना, तो उसने एकदम से यूं किया कि जैसे, है ना सैफ, यूं किया या मैंने नोटिस किया? नहीं अब तो मैंने ये पिक्चर्स वगैरह देखता देखते हो आप? नहीं, क्योंकि बस वो जो पूरा पूरा इवेंट था, वो जो पूरा था, वो वापस याद आना शुरू हो जाता है। और अब वो बस हो गया, ऑब्वियसली अल्लाह की अल्लाह जो ताला ने मर्ज़ी। उसी तरह हाँ, लिखा उसमें था। तो बंदा, इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको भुला भी नहीं सकते, लेकिन अब कम से कम याद करें, क्योंकि वो फिर वरना शायद अपनों को तकलीफ होती होगी, वही जो होता हमारे है, अपने अब हमारे वही साथ होता है। नहीं है ना, वो भी हमें देख रहे होंगे सही तकलीफ बात में, है, तो सही उनको तकलीफ होती बात होगी। है। तो बाबर, आप पे बात कर रहे थे, जो मैंने जी आपकी बात काट दी थी, जी मुझे जी ब्रेक पे जाना पड़ा, बिल्कुल। तो क्या बात करेंगे? अच्छा, बाबा की कोई एक चीज़, एक बात, उनका कोई डांटना, उनका कोई गुस्सा करना, या उनको कोई तंग करना, तंग तो हमने काफी किए, सबसे बट ज्यादा किसने किया है? मेरे ख्याल में, हाँ, मेरी बहन जहरा ने तो नहीं किया, हम ही लड़कों ने किए। हाँ, किसी चीज़ में उनके साथ जाना है तो लेट कर देना उनको, फिर वो उसमें, अच्छा, हाँ, वो सुस्ती गाड़ी, करना कि मतलब कि चल, तैयार होने में देर लगा देना, वो गाड़ी में वेट कर रहे हैं, वो फिर कह रहे हैं, तो उसमें इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों उनका में तकिया कलाम क्या होता था, क्या कहते थे अगर आप लोग लेट करते थे तो? मुझे मुझे याद है, मुझे कहते थे कि तुम हमेशा 11th आवर में जाके तैयार होते हो। तो वो एंड में, तो शुरू शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा वरीड होते थे कि यार जल्दी तैयार हो, लेट हो जाएंगे। टाइम पे जाना एंड में है। वो, उनको पता चल गया था इनसे नहीं होगा, वो पहले ही निकल मैं जाते थे। वो कहते थे, अच्छा तुम लोग आ जाना पीछे से, मैं निकल रहा हूँ। पहले ही जा रहा हाँ, हूँ। क्योंकि उनको भी थोड़ी, उनकी भी आदत थी लेट होना, ये लेकिन वो मानते नहीं थे, लेकिन हम लोग जाने में तो कहते। बहुत जल्दी कर दी हाँ, उन्होंने, उस वो तो बस, अब इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन लेकिन वो भी लेट होते थे वैसे। उनसे अम्मी तो कहती नहीं, तुम लोग उनसे आदत आई है। और हम कहते भी थे, जब कहते थे कि तुम लोग लेट होते हो, तो अम्मी को कुछ कहते नहीं थे? कोई नहीं, हाँ ऐसा हाँ वो मेरी कहते, नहीं नहीं है ऐसे तो नहीं होता, मैं तो हमेशा तैयार ना। होता हूँ। और हम कहते थे, नहीं ये आदत आपसे ही आई है, हम सब ज्यादा लेट हुए। करीब कौन था, सबसे ज्यादा करीब किससे अपने दिल की बात और वो करते? आई थिंक एक फादर और एक डॉटर का हमेशा बॉन्ड अलग होता है। तो जारा जो, और उसके हमारी साथ बहन ज़ारा जो थी, वो तो थी भी ओनली वन, हम तीन भाई बहन। उस चीज से निकल पाई है अभी तक, तबीयत? मैं आपको उसी बात पे कह रहा था ना, कि जब मैंने मम्मी की वो आवाज़, वो जो चीख थी उनकी सुनी थी, उसी मिनट मुझे पता चल गया था कि घर में कोई कोई तो इस वक्त मसला हुआ है। और मैंने जब जाकर उन्होंने जब जिस तरह मुझे बताया कि बाबा का प्लेन क्रैश हो गया, बाबा का प्लेन क्रैश हो गया, तो मैं सैफ के साथ कमरे में बैठा था, 2:30 बज रहे थे ऐसे। उस वक्त समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, बस मैंने सैफ बोला, आओ यार खड़े हो जाए नमाज पे। नमाज भी नहीं याद कौन सी थी, कोई भी उस वक्त, बस खड़े हो गए बस कि हाँ भैया पढ़नी है। तो उसके बाद ये बस अपने अंदर एक वो बात ठान ली कि अगर मैं नहीं इस वक्त सपोर्ट तो करूँ, अम्मी और तो बहन को अम्मी कौन और बहन का संभाले, तो फिर है ना? उनका तो कोई वाकई हाल ही नहीं रहेगा इस तरह। तो फिर मैंने सैफ से बात करी, सैफ ने मुझसे करी, हमने बोला नहीं हमने तो इस वक्त ये स्ट्रांग होना है। तो छोटा है, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने सैफ इतना, सिर्फ उस वक्त 13 या फोर 15 15 ईयर्स का था सैफ। 2 years back। अब तो और फिर भी इसको ये पता था कि हमने संभलना है, और अम्मी को सैफ ने और बल्कि आपको मुझे होगा। ज़्यादा समझाया इस बात पे कि देखो बाबर भाई, अब हमने अम्मी और जहरा के साथ इस वक्त हमने रहने हैं, और हमने उनको सपोर्ट करनी है ज़्यादा। तो आपको किसने संभाला दोनों को, और बड़े नहीं, भाई? जैसे आपने बोला नहीं था कि भाइयों को आप होता है कि रोते क्यों नहीं है इस तरह का, हाँ, आई थिंक उनके पीछे ये मेंटालिटी चल रही होती है। उसी वक्त तैमूर भाई जो थे, आई थिंक वो ऑफिस में थे, तो जैसे ही घर आए थे हमारे कमरे में आए, और हम तीनों ने एक उनके मिल के हमने एक बात की कि देखो अब भाई जाके तो अब ब्रेक डाउन ना हो जाए ऐसे, मतलब बंदा रोना ना शुरू हो जाए, तो अपना वो कंट्रोल करना और अम्मी के साथ रहो, बहन के साथ रहो, देखते हैं जो भी होता है अब आगे, तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन बस अपना वो कंट्रोल करना, तुम लोग अपना वो कंट्रोल करना। फिर हम तीनों ने और ऐसे मुझे बस मुँह बाबा के, की बात याद आ गई, वो कहते थे कि तुम तीनों हमेशा इस तरह रहना ऐसे,
यूं वो जिस वहाँ वो जब यूजली तो वो बिजी होते थे, लेकिन जब वो घर आते थे तो उनके पास जब जाकर हम बैठते थे तो कहते थे मैं तुम लोगों को कुछ थोड़ी नसीहतें देना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो हम बैठते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बात आती थी वो ये होती है कि तुम तीनों इस तरह रहना। मजाक में कहते थे वो इस बात को, मैं उस तरह कह रहा हूँ कि वो इस तरह कहते थे कि अगर कभी गलत काम भी कर रहे हो ना तब भी एक साथ रहना। उस वे में कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए कि तीनों ने साथ रहना, यूं रहना। तो ये बात मुझे भी याद आई है कि उन्होंने हमें कहा था साथ रहना, और हंसते हुए कहा था गलत काम भी करना और साथ करना। इसमें आते हैं उनका इस पे वो ज्यादा एम्फसाइज करना चाह रहे थे कि साथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ये ना हो कि तुम बोलो कि ये मुझे लग रहा है ये भाई गलत कर रहा है, छोड़ देता हूँ मैं इसको, का साथ ही रहना कुछ भी करो। और आगे जिंदगी में बाकी इतने बहुत काम आ रहा है, फैसले होते हैं, पता नहीं सगे भाई बहन प्रॉपर्टीज पे लड़ पड़ते हैं, रिश्तों पे लड़ पड़ते हैं, पता नहीं किन चीजों पे लड़ पड़ते हैं। तो उनके कहने का उसमें भी साथ रहना है, भी साथ छोड़ना नहीं दूसरे को, क्योंकि स्पेशली जिस तरह उनके बाद लोगों ने सपोर्ट किए, लेकिन अब हर तरह के लोग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में नहीं दिखी थी वो भी दिखी। वो क्या वो हर तरह के लोग बदलते हुए आप देखते हैं, बदलते हुए लोग होते हैं, हर तरह के अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं बट कुछ यू नो नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो लाइफ में पता नहीं था कि कौन कैसे है वो भी पता चल जाती हैं सब चीज़ें। तो बट क्योंकि बाबा खुद इतने पॉजिटिव थे तो हम मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव ही हमेशा रहना चाहिए। उनकी ये सबसे मैंने लाइफ में उनकी ये मेन चीज़ देखी है उनसे, जो हमेशा सीखी। मुझे लगता है जो आपको अपने घर वाले जो सपोर्ट दे सकते हैं, भाई वाले ऑब्वियसली आपको एक पॉजिटिव और एक अच्छा प्यार दें तो आपको भी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जो घर वालों का सपोर्ट होता है आई थिंक इन मोमेंट्स में वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आप बिल्कुल एग्री करोगे ना इस पे, क्योंकि बिल्कुल फैमिली भाई बहन जो भी होते हैं आपके साथ उनका मेन आपको चाहिए होता है उस वक्त साथ। और आज मैं आज मुझे बड़ी एक अजीब सी फीलिंग इसलिए हो रही है कि आज मैंने आपके पास आना था इसके लिए, मुझे असल में कल रात को पता चला था तो मैं बड़ा मुझे वो एक अजीब फीलिंग भी थी। मैंने बहुत दुआ भी मांगी थी इनके लिए, आपके वालिद के लिए। और मैं रात को 3-4 बजे मुझे बाबा ख्वाब में आए, आज बिल्कुल। तो वो मगर वो बड़े बहुत छोटा सा था और उस तरह था कि मैं उनको एक किसी पार्क में छोड़ के गया हूँ। उन्होंने ऐसे ब्लैक कलर का एक वो एक्सरसाइज के जो कपड़े होते हैं वो पहने हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको पिक करने आ जाऊँगा अभी। तो मैं गया तो उनका फ़ोन आ गया, तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा बाबा आप कहाँ हैं, कह रहे मैं तो वहीं हो जाता हूँ, मुझे छोड़ के गए थे दिख पा रहा हूँ। मेरा अच्छा मैं आ रहा हूँ लेने, बस वो हल्का सा हंसे और बस मैं एकदम सो गया। ये मुझे आज मुझे अराउंड 4:45-5 o'clock आया है मुझे आज। बस उनको पता था ना कि जहाँ छोड़ के गए थे आवाम के दिलों में छोड़ के गए थे, जहाँ जा रहे उन सब के दिलों में छोड़ के गए थे। मैं ये आपको जरूर बताऊंगा, मुझे बड़ी एक अच्छी फीलिंग भी आई, बड़े टाइम बाद आए हैं वो मुझे ख्वाब। बस तो मेरे शो में आया करो फिर बाबा भी आएंगे ना ख्वाब में, और मुझे वो ख्वाब में सो लकी कि इनके ख्वाब में मुझे तो आज तक मेरे अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, आज तक नहीं मिली।